Everyone, dear APC, Drama and Art in Education, today we are going to discuss the total. आज हम इसमें total की बात करेंगे कि आपको फाइल एक्चुअली किस तरह से प्रिपेयर करनी है और उसके अंदर क्या क्या रहेगा. ठीक है, एक बार दोबारा से बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या कंसेप्ट आपको इसके अंदर डालनी है. ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की फाइल है. कट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाएंगे, इसमें इंडेक्स बनेगा आपका. उसमें आप जितना भी हमने टॉपिक जो भी हमने कवर किए हैं, सबसे पहले आर्ट के बारे में बताएंगे कि आर्ट होती क्या है, क्या है आर्ट, यानी कला क्या है, कला के बारे में बताएंगे, उसकी उसके फीचर्स, उसके डेफिनेशन, ये सारा का सारा हम इसमें बताएंगे. पहले आर्ट के बारे में लिखेंगे, फिर पेज नंबर आप इसके बारे में शो कर देंगे, फिर उसके बाद आप बताएंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ. आइए बता दिया आपने कि मैंने सारा का सारा आपको डेफिनेशन लिखवाई हुई है. इसके बारे में बताओगे इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट. सेकेंड आपका पॉइंट रहेगा आर्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में आप बताएंगे. आर्ट क्या रोल प्ले करती है, कला का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे. ठीक है, इसका अर्थ हो गया, महत्व हो गया और परिभाषा हो गई. लुक एट द इंडिविजुअल स्टूडेंट, इस तरह से बनाएंगे आप. ठीक है जी, फिर उसके बाद आपने सेकंड, मान लीजिए आप ये आपका एक टॉपिक कवर हो गया, उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट जो है वो स्टार्ट किया कलर्स के बारे में, यानी कि रंग क्या होती है. तो आप बताएंगे रंग का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कलर्स, फिर उनकी डेफिनेशंस, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कलर्स. ठीक है, इसके बारे में आप अपने जो है जितनी भी आपको थ्योरी अच्छे से आती है उसके बारे में लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे. ठीक है, ड्यूरिंग दिस आप कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे कलर्स का यूज़ करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, स्केच पेन यूज़ कर रहे हैं, कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो अच्छे से होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप लोग बार बार कटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, तो वो जो है फाइल की सुंदरता को ख़राब कर देता है. ठीक है, जैसे हो गया हमने बताया रंगों का, फिर हमारे जीवन में यह रंगों का क्या प्रभाव है. रेड कलर हो गया, येलो हो गया, नीला हो गया, ग्रीन हो गया, ये जो सारे के सारे कलर्स हैं, नारंगी कलर है, इनका क्या जो है प्रभाव है. उसके बाद इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है वो है प्रस्पेक्टिव ड्राइंग. प्रस्पेक्टिव ड्राइंग क्या है, ठीक है, किस तरह से आएगी, ये है प्रस्पेक्टिव ड्राइंग. मैंने आपको बताया था पहले इसके बारे में, आप लिखेंगे उसके जो है बारे में बता रहे हैं कि प्रस्पेक्टिव क्या है, किस तरह से होती है. ठीक है, किस तरह से हम इसको शो करते हैं. देन उसके बाद आएगी स्टिल लाइफ पेंटिंग. ठीक है, यहाँ पर हम थ्योरी लिख रही हैं और पीछे हम इसके पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे. ये स्टिल लाइफ पेंटिंग क्या होती है उसके बारे में आप बताओगे. ठीक है, ये देखिए जो स्टिल लाइफ पेंटिंग के बारे में इन्होंने बता रखा है. फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी कि चित्र संयोजन कैसे करें, किससे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे चित्र संयोजन क्या होता है. ठीक है, और काल्पनिक चित्र के बारे में किस तरह से हम ये बता रहे हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग. मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग, ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, प्रिंटिंग्स आएंगे और साथ में डिज़ाइनिंग आएंगे. ठीक है, छपाई किसे कहते हैं और नमूना किसे कहते हैं. ठीक है, छपाई के बारे में बताएंगे कि प्राचीन काल में लोगों की क्या सोच थी छपाई के बारे में, छपाई होती क्या है. फिर है मुद्रांकन किसे कहते हैं, यानी कि प्रिंटिंग किसे कहते हैं. ठीक है, ठप्पे के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में, लकड़ियों के ठप्पों के द्वारा सजावट करना, मिट्टी के ठप्पों के द्वारा, फिर आलू के ठप्पे बनाना और जो है लीनो कटिंग के द्वारा सजावट या छपाई करना, इसके बारे में आप डिटेल में इस पर बताएंगे. ठीक है जी, उसके बाद हम बताएंगे काइंड्स ऑफ पेंटिंग, काइंड्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइंस के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताइएगा. ठीक है, डिज़ाइन किसे कहते हैं, पहले लिखेंगे डिज़ाइन किसे कहते हैं, फिर डिज़ाइन की क्या परिभाषा है, परिभाषा हो गई, फिर डिज़ाइंस के टाइप कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक डिज़ाइन हो गए, अलंकृत डिज़ाइन हो गए और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो गए. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्टर एंड लेआउट, यानी कि पोस्टर्स किसे कहते हैं और लेआउट से क्या अभिप्राय है और पोस्टर के टाइप कौन कौन से हैं. थोड़ी थ्योरी आएगी पहले उसके बारे में, फिर टाइप्स ऑफ पोस्टर चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो गए, व्यवसायिक हो गए, सामाजिक हो गए, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इनके बारे में डिटेल में आप उनको बताएंगे. फिर बताएंगे लेआउट करना किसे कहते हैं और लेआउट से क्या अभिप्राय है. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा
कोलाज, कोलाज किसे कहते हैं? मिक्स्ड कोलाज है। मिक्स्ड कोलाज में हम लोग किस पर बनाते हैं? धातु, बटन, कपड़ा, रस्सी, इन सबको मिला के जो है हम लोग किसी भी प्राकृतिक दृश्य को सामान्य कोलाज में चित्रित किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में बताओगे कि क्या होता है, कोलाज होता क्या है और कोलाज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है ड्रामा। ड्रामा किसे कहते हैं? ड्रामा यानी नाटक। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ड्रामा में बताएंगे थ्योरीज की, फिर लोक नाट्य क्या होता है, नृत्य नाट्य, भारत नाट्य और पुतली, यानी कि इनके जो टाइप्स हैं, ड्रामा के जो टाइप हैं उनको आप डिटेल में बताते चले जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ये हमारा लगभग सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इसमें हमारे, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि आपको अपनी फाइल किस तरह से नीट एंड क्लीन आपको बनानी है। उसके बाद आपके पास प्लेन पेजेस हैं, प्लेन पेजेस के अंदर आप पहले प्राइमरी कलर के बारे में डिटेल में बताओगे, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं नीट को ड्रॉ करना है। प्राइमरी कलर क्या हो गए, सेकेंडरी कलर्स के बारे में आपने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे टेरिटरी कलर्स के बारे में और नेचुरल कलर्स के बारे में। कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमें किसी को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अपना माइंड फ्रेश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, ताकि जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपने नए से नई चीज़ों को दिखाओ कि किस तरह से आप चीज़ों को बना रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने बनाया, वो देखो प्राइमरी कलर, बाउंड्री कीजिए, हेडिंग डालिए और फिर नीचे इसको शो कीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया सेकेंडरी कलर्स के बारे में, देन उसके बाद आता है हमारे टेरिटरी कलर्स, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्फाबेट बताएंगे आप। अल्फाबेट देखिए किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ भी बना रहा है, अच्छे से बना रहे हैं, आप चाहें तो इनको कलर भी कर सकते हैं। इंग्लिश भी हो गया, फिर उसके बाद कर्सिव में लिख सकते हो आप, छोटी विंडोज में भी लिख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारी नेचर पेंटिंग या पर्सपेक्टिव, कुछ भी आप ले सकते हैं, ओके। यह है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग से क्या अभिप्राय है कि हम किसी पर्सपेक्टिव को शो कर रहे हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। देन उसके बाद है नेचर सीन। अब हम क्या करना है, इन्होंने क्या किया है, रॉम्स को लेके नेचर को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया नेचर सीन या नेचुरल सीन, कुछ भी दिखाएंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बनाई है सीनरी। सीनरी के अंदर क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। देखिए कुछ भी जो भी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, जो भी हम बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर नेचुरल जो है नेचर डिस्क्राइब होनी चाहिए, ऐसे आर्टिफिशियल से नहीं लगे। कलर्स का जो चॉइस है आपका वो अच्छा चाहिए, ताकि देखने में सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये है स्टिल लाइफ पेंटिंग, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप क्या करते हैं, शो करते हैं इसमें कि चीज़ें बड़ी हुई हैं, उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एज इट इज़, वो थोड़ा सा जो है कोशिश करते हैं। ये देखिए स्टिल लाइफ पेंटिंग इन्होंने बनाई है, स्टिल लाइफ पेंटिंग इनकी है, नेचर की सीनरी है, इसमें सनराइज हो रहा है, ठीक है, माउंटेन दिखाए गए हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी पेंटिंग, लीफ पेंटिंग। अब ऐसा नहीं है कि सबको लीव्स लिख के साथ ये सर्कल बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं आप। लीफ लीजिए, लीव्स की कटिंग कीजिए, उनके ऊपर कलर कीजिए, उनके साथ कुछ भी ड्रॉ करिए, कुछ भी जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद इन्होंने बनाए हैं फ्लावर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, फ्लावर्स भी आप बना सकते हैं। देन दिस इज थ्रेड पेंटिंग, थ्रेड को यूज़ करके कलर्स के अंदर को डिप करके, ठीक है, उसको इस तरह से सिस्टमेटिकली करते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ हमारा हो जाता है, उसे बोलते हैं थ्रेड पेंटिंग। उसके बाद इन्होंने बनाया है स्टेंसिल, ये देखिए स्टेंसिल पेंटिंग है, स्टेंसिल के थ्रू इन्होंने इसको यूज़ करके अच्छे से बनाया हुआ है। तो आपको भी अपनी क्रिएटिविटी सबको अलग अलग दिखानी है। देन पर्सपेक्टिव ड्राइंग देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव शो हो रहा है, मीन्स क्या क्या दिखाया गया है, नेचुरल रोड दिखाई गई है, ट्रीज दिखाए गए हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में ऐसा लगता है कि वो छोटे होते चले जाते हैं या आपस में मिल रहे हैं, उसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे में क्या रहेगा, आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ भी पेपर कटिंग करके, कुछ भी ड्रॉ करके, उसको कटिंग करके उसको रखते हैं और फिर ऊपर से कलर्स का स्प्रे करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्प्रे पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बनाई है कॉम्पोजिशन पेंटिंग, ये देखिए कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है, कितना किया हुआ इन्होंने, ये कॉम्पोजिशन पेंटिंग है हमारी।
देन इसके बाद है कोलाज की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने मैंने आपको बताया कोलाज के बारे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, बहुत आइडियाज़ है हमारे पास। यूट्यूब है, कहीं से भी सर्च करो। ये है फिंगर, लेडी फिंगर पेंटिंग, इन्होंने अच्छा ड्रॉ किया हुआ है, लेडी फिंगर्स को शो किया हुआ है एट द एंड। उसके बाद क्या है, रंगोली डिज़ाइन, देखिए रंगोली डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, फिर आप पोटैटो कटिंग करके, फिंगर लेडी फिंगर कटिंग करके, लीफ कटिंग करके, या कुछ भी ब्लॉक्स कटिंग करके आप पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, फिंगर के साथ कर सकते हैं। तो आपको जो अपनी फाइल है बिल्कुल सुंदर सुंदर और नीट एंड क्लीन बनानी है। ये है जियोग्राफिकल डिज़ाइन, ठीक है। एट द एंड दिस इज़ किसी भी एक सोशल कंसेप्ट के ऊपर, कोई भी फिंगर डिज़ाइन के ऊपर हो सकता है, सेम ट्री हो सकता है, ट्री लगाओ, ठीक है, मोर से मोर, कुछ भी नेचर सीन या कोई भी स्लोगन, किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे इन्होंने बताया स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है, कोविड के ऊपर, या कुछ भी ऐसी चीज़ के ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे बनाया स्टे होम, कैलीग्राफी बोलते हैं इसको, इन्होंने कैलीग्राफी के थ्रू बताया है कि जिस तरह से आपको अपने आप को सेव रखना है, कोई भी हो सकता है, पोस्टर मेकिंग ये देखिए, ठीक है, वाटर सेविंग के ऊपर बना सकते हैं, ब्लड डोनेशन के ऊपर बना सकते हैं, कोविड सैनिटाइजेशन सब चीज़ों के ऊपर बना सकते हैं। फिर उसके बाद है वॉल डेकोरेशन, एक और है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है सिलेबस है, जिसमें आपने क्या है अच्छे से बनाना है, अच्छे से कंप्लीट करना है इन चीज़ों को, और यही दिखाना है कि किस तरह से हम जो है जब हम टीचिंग करते हैं तो किस तरह से हम अपनी क्रिएटिविटी को ड्राइंग के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टोटल, ये आज आपकी जो है ये फाइल है ये कंप्लीट हो चुकी है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आई थिंक हमने सारे जो है पार्ट्स हम कवर कर लिए ईपीसी के, अच्छे से नीट एंड क्लीन फाइल बनाइए, ठीक है, विद आपको कोई ना कोई स्लोगन, कोई ना कोई लास्ट में आपको बनाना है जिसमें शो हो, किसी भी सोशल पर्सपेक्टिव के ऊपर, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ भी आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा, लेकिन जब भी आप फाइल बनाएंगे कलर्स का अच्छे से यूज़ करेंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन विदाउट स्पेलिंग्स मिस्टेक आप अपनी फाइल को पूरा कीजिए।